आज रवि अमेरिका से अपनी माँ को फोन करता है। हेलो माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ? माँ ने कहा, मैं ठीक हूँ बेटे, ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम साथ ही रहेंगे। रवि ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। नीतू कह रही थी कि माँ जी को अमेरिका लेके आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। माँ हेलो, सुन रही हो ना? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रु धारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। रवि अकेला आया था। उसने कहा, माँ हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ ने पूछा, मकान? हाँ माँ, अभी मकान बेचना पड़ेगा वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनंद फानन और औने पौने दाम में रवि ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। रवि ऑटो मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रवि ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। सावित्री देवी ठीक है बेटे कहकर वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रवि गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया था। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से गेट की तरफ देखने लगी। अंधेरा हो चुका था, एयरपोर्ट के बाहर आवागमन कम हो चुका था। एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा, माँ जी किसी से मिलना है क्या? सावित्री देवी ने घबराकर कहा, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। कर्मचारी ने सवाल किया, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई, क्या नाम था आपके बेटे का? रवि। सावित्री देवी के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी आपका बेटा रवि तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? वृद्ध माँ बोली, हाँ हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ पर कौन उसका ख्याल रखेगा? ऐसा बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, बचपन में जिस माँ बाप ने हमें पाला, उनके बुढ़ापे में यदि तुमने उनको नहीं संभाला तो तुम्हारे भाग्य में ऐसी ज्वाला भड़केगी जो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। 2 किलो वजन उठाने में तुम्हारे हाथ दर्द करते हैं तो माँ को सताने से पहले सोचो कि उसने तुम्हें 9 माह पेट में कैसे रखा होगा। बचपन में तेरे माँ बाप तुझे उंगली पकड़कर तुझे स्कूल ले जाते थे, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनकर उन्हें जिन मंदिर अवश्य ले जाना। बेटे के जन्म पर
माँ बाप ने मिठाइयाँ बांटी थी और बेटे ने उनको ही बांट दिया। बेटे कबूतर को दाना डालने और गाय को भोजन देने जा सकते हैं, परंतु अपने माँ बाप को भोजन कराने में तकलीफ होती है। जिस बेटे को माँ बाप ने बोलना सिखाया, उन्हीं माँ बाप को उनके बुढ़ापे में बेटे चुप रहने के लिए कहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करें, तो तुम अपने माँ बाप की सेवा करके उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करो। जो बाहर के लोगों से हंस हंस कर बात करता है और अपने माँ बाप से बात नहीं करता, तो समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। 25-30 वर्षों तक माता पिता के पास रहने वाला और उनका स्नेह पाने वाला पत्नी के आते ही एक वर्ष में अलग होकर माँ बाप को भूल जाता है और कहता है, माई वाइफ इज माई लाइफ। दोस्तों, सच कहता हूँ, इस कहानी को रिकॉर्डिंग करते वक्त मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि माँ बाप का दिल कभी 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 मत दुखाना। ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, अन्य रिश्तेदारों के साथ जरूर जरूर शेयर करें। धन्यवाद आपका, जो आपने अपना कीमती समय निकालकर यह वीडियो देखा। आखिर माँ तो माँ ही होती है।